कभी कभी स्प्लिट एयर कंडीशनर में क्या होता है कि इंडोर को हम रिमोट से बंद कर देते हैं, उसके बाद भी हमारा कंप्रेसर डायरेक्ट चलता रहता है, कंप्रेसर नहीं बंद होता है। जबकि क्या होना चाहिए, जब रिमोट से हम ऑफ करते हैं एयर कंडीशनर को, स्प्लिट एयर कंडीशनर को, तो उसके साथ में हमारा आउटडोर भी कंप्रेसर, आउटडोर फैन मोटर सब कुछ क्लोज हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं बंद होता है। कभी कभी कुछ केस में होता है कि रिमोट से बंद करने के बाद भी कंप्रेसर डायरेक्ट चलता रहता है, उसमें क्या फॉल्ट होता है पता है? नहीं पता है तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। उसमें फॉल्ट होता है कि उसका रिले रिले उसका पॉइंट होता है वो आपस में टच हो जाता है रिले का, जिससे क्या होता है रिमोट से बंद करने के बाद पॉइंट छोड़ देना चाहिए, लेकिन नहीं छोड़ता है, डायरेक्ट कंप्रेसर चलता रहता है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि सिस्टम में लगा हुआ है रिले, उसके बाद भी ऊपर से ही आप इनडोर खोल करके थोड़ा सा पीसीबी बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, रिले बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर से ही आप चेक कर सकते हैं कि रिले हमारा ख़राब है या फिर सही है, उसे कैसे चेक करना है। इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक अमरीश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों, चलिए प्रैक्टिकली सीखते हैं कि रिले को कैसे चेक करना है कि हमारा रिले सही है या फिर ख़राब है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा स्प्लिट एसी का इंडोर। इसके लिए हमें देखिए, ये टॉप कवर को हम खोलेंगे और यहाँ पे देखिए पीसीबी का पॉइंट यहाँ पे निकला, यहाँ पे दिया रहता है जो आउटडोर पे जाने के लिए यहाँ पर रहता है। इसके लिए आपके पास क्लेमीटर होना चाहिए। क्लेमीटर को हम वोल्टेज रेंज पर सेट करेंगे, 400 वोल्टेज रेंज पे हम सेट करेंगे इसे। क्लेमीटर साथ में लगाया हूँ ताकि दिखता रहे। अब देखिए यहाँ पे रिले को कैसे चेक करेंगे कि रिले हमारा सही है या फिर ख़राब है, रिले कैसे बताता है। इस स्क्रू को खोलेंगे हम, इस कवर को खोलेंगे, इसे बाहर निकाल देंगे। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन एक न्यूट्रल यहाँ पे दिया हुआ है। पहले पहले कनेक्टर में लाइन और न्यूट्रल जो इनपुट सप्लाई है, ये इंडोर को इनपुट सप्लाई यहाँ से दे रहा है। अब पीसीबी से होके आउटपुट सप्लाई यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक एक वी एक सी और एक एफ। इसका मतलब क्या होता है, वी सी एफ, इसका मतलब ये होता है वी से जो निकल रहा है वो जाता है फोर वे वाल्व को, जो जो हीटिंग पंप होता है फोर वे वाल्व, वी से निकल करके जाता है फोर वे वाल्व को, और सी से निकल के जाता है ये कमांड लाइन है, सी से निकल के जाता है कंप्रेसर को, और एफ से निकल करके जाता है फैन मोटर को, आउटडोर फैन मोटर को। अब इसे कैसे चेक करेंगे, देखिए हमारे पास दो फ्राउड है, एक हाथ से कैमरा पकड़ा हूँ इसलिए दिक्कत होता है। देखिए यहाँ पर देखिए, चेक करने के लिए एक रखेंगे न्यूट्रल पे, एक कमांड लाइन पे, एक न्यूट्रल पे, दोनों पॉइंट पे रखेंगे। अब देखिए, क्योंकि हमारा एसी इस समय बंद है, इस समय बंद है इसलिए कोई सप्लाई नहीं है, तो एसी को हम रिमोट से ऑन करते हैं। एसी हमारा ऑन हो चुका है। सोलर पे रखेंगे ताकि आउटपुट सप्लाई दे दे जल्दी से। अब देखिए हमारा कंप्रेसर चल चुका है। अब देखिए यहाँ पर एक न्यूट्रल पर रखेंगे और एक कंट्रोल पर रखेंगे, कंट्रोल एक न्यूट्रल पर एक कंट्रोल पर। तो यहाँ पे देखिए शो कर रहा है 220 वोल्ट, 220 का यहाँ पे शो कर रहा है 220 वोल्ट। अब देखिए यहाँ पे अगर ये जो ना कंट्रोल वायर जो सी का ये कमांड लाइन है, ये सीधा रिले के पॉइंट से निकल करके आता है, जो सी का पॉइंट है वहाँ से निकलता है और सीधा यहाँ पे आता है, सीधा यहाँ से कंप्रेसर को जाता है आउटडोर में। तो अगर रिमोट से बंद करने पर ये सप्लाई, अगर यहाँ पर कंट्रोल वायर आता है,
कमांड लाइन जो आता है, अगर यहाँ पे सप्लाई नहीं दिया, अभी जो हमने चेक किया, फिर से मैं चेक करके एक बार दिखाता हूँ। एक न्यूट्रल पर रखेंगे और एक कमांड लाइन पे। अब देखिए यहाँ पे 220 का यहाँ पे करंट शो कर रहा है। अगर एफ पे रखेंगे, एफ जो फैन मोटर हमारा चल रहा है आउटडोर का, इस पे रखेंगे तो इस पे भी 220 का वोल्ट से शो कर रहा है। अगर फोर वे वाल्व पे रखेंगे तो यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, क्योंकि फोर वे वाल्व हमारा बंद है, फोर वे वाल्व अभी चालू नहीं है। जब हीटिंग मोड पर लगाएंगे, अभी देखिए कूलिंग मोड पे चल रहा है, ये होता है सिंबल कूलिंग मोड का। यहाँ पे देख सकते हैं सिंबल, ये कूलिंग मोड का सिंबल होता है। अगर यहाँ पर रेड होता तो हीटिंग मोड का सिंबल होता। तो देखिए अभी यहाँ पर क्या होगा कि रिमोट से जब इसे हम बंद करेंगे तो इसकी सप्लाई जो कमांड लाइन की सप्लाई है, एक कमांड लाइन की कमांड, ये सप्लाई यहाँ पे 220 वोल्ट नहीं दिखाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए उसके साथ में। अगर रिमोट से बंद करने पर फिर भी ये यहाँ पे दिखा रहा है 220 का करंट और कंप्रेसर फिर भी चल रहा है, तो फिर समझ लीजिए कि हमारा रिले ख़राब है। यहीं से हम बाहर से ही चेक कर सकते हैं। तो इसे हम रिमोट से बंद करते हैं, एसी को हम रिमोट से बंद करेंगे। ये देखिए बंद हो गया। अब इसे हम चेक करेंगे कि कमांड लाइन फिर से दे रहा है या फिर कट हो गया। कमांड पे हम लगाएंगे, एक न्यूट्रल पे, एक कमांड पे। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल 0-0 दिखा रहा है, यहाँ पे सप्लाई कट हो गया। इसका मतलब हमारा रिले सही काम कर रहा है। अगर अभी भी रिमोट से बंद करने के बाद अभी भी चल रहा होता कंप्रेसर, ये कमांड लाइन अगर दे रहा होता, तो समझ लीजिए कि रिले हमारा ख़राब है, वहाँ पे रिले चेंज करने की ज़रूरत है। अब देखिए कट हो गया। इस तरह से अब मानेंगे कि रिले हमारा सही है, काम कर रहा है सही से। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये होता है इसका सेंसर, यहाँ पे लगा है ना, ये इसका सेंसर होता है रूम टेम्परेचर सेंसर। तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारा फ़िल्टर निकाल कुछ क्या, सबके साथ कभी ऐसा होता, अगर ध्यान ना रखें तो ये डैमेज हो जाता है सेंसर। फ़िल्टर यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से और यहाँ पे लगाते हैं, उसके साथ में सेंसर भी कभी कभी होता है, निकल जाता है बाहर या फिर कट जाता है सेंसर। तो इसे क्या करें कि जब भी फ़िल्टर आप निकाल करके धोएं, साफ़ करें उसे, तो फ़िल्टर बहुत ही आराम से लगाएं, कोई जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि सेंसर अगर एक बार कट जाएगा तो फिर सेंसर चेंज करने के लिए कम से कम इंडियन करेंसी में अगर बात की जाए तो इंडियन करेंसी में 1000 या 1500 का सेंसर आता है। इसलिए देखिए बहुत ही आराम से सेंसर को बचा करके आप इस तरह से फिल्टर, देखिए सेंसर है ना, इसके ऊपर से ठीक फिल्टर जाता है, इस तरह से आराम से ऐसे लगा दें फिल्टर, सेंसर अपने जगह पे है नीचे इस तरह से। अब देखिए दूसरे साइड में तो सेंसर नहीं होता है, लेकिन इसे भी आराम से लगाएं ताकि फ़िल्टर ना टूटने पाए, इसे आराम से ऐसे लगा दें। लगाने के बाद इस कवर को इसे बंद कर दें। इस तरह से बहुत ही आसानी से आप फिल्टर को निकाल करके साफ़ कर सकते हैं और सेंसर को बचा सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कितना आसान है रिले को चेक करना। ऊपर से ही आप रिले को चेक कर सकते हैं कि हमारा रिले सही है या फिर उसका पॉइंट टच हो गया है, कंप्रेसर डायरेक्ट चलता रहता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक अमरीश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।